बाप जी श्री की वाणी आरंभ हो रही है। जो भी गुरु भक्त आश्रम में यत्र तत्र हो, यहाँ सभा कक्ष में आ जाएं, आरती कक्ष में आ जाएं। बाप जी श्री की वाणी आरंभ करें उसके पूर्व एक छोटी सी भूमिका है, आप सब लोग श्रवण करें। सर्व सज्जनों को विदित होवे कि भगवान वेद व्यास, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ और सुखदेव जी महाराज के समान ही प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूज्यपाद, करुणा वरुणालय, परमहंस अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व मालवा की भूमि पर मंदसौर मध्य प्रदेश में सानंद विराजते रहे हैं तथा अनंत काल तक विदेहावस्था में रहते हुए असंख्य जीवों को स्वस्वरूप का बोध कराते रहे हैं। उस काल में आपके 13 मुख्य शिष्य थे, उनमें श्री केशव भगवान प्रमुख शिष्य थे। इनके अतिरिक्त श्री नित्यानंद जी बाप जी, श्री श्रेष्ठानंद जी महाराज, श्री अष्टावक्र जी महाराज, श्री दिव्यानंद जी महाराज, श्री अद्भुतानंद जी महाराज, श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, श्री वासुदेवानंद जी महाराज, श्री ऋष्यानंद जी महाराज, श्री भक्तानंद जी महाराज, श्री भूमानंद जी महाराज, श्री चैतन्यानंद जी महाराज एवं श्री मुक्तानंद जी महाराज प्रमुख हैं। श्री गुप्तानंद जी महाराज 95 वर्ष की अवस्था में रविवार पुष्य नक्षत्र भाद्र कृष्ण द्वादशी गोवत्स द्वादशी को विष्णुपुरी मंदसौर में समाधिस्थ हुए। उस काल में जबकि अंग्रेजी हुकूमत अपने उत्कर्ष पर थी और भारत की सनातन संस्कृति पर लगातार आक्रमण हो रहे थे, ऐसे में इन दिव्य महापुरुष ने भारत ही नहीं अपितु विश्व प्राण, वैश्विक धरोहर भगवान वेद के रक्षार्थ अपनी तपस्या के बल पर उस परम गोपनीय आत्म तत्व का प्रकाश किया, जिस ज्ञान पर अवलंबित भारतवर्ष युगों युगों तक विश्वगुरु कहलाता था। अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज ने पूर्व काल के ऋषियों की तरह ही वेद संस्कृति, वेद की अक्षुण्ण ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित किया तथा मुमुक्षुओं के हितार्थ वेद भगवान के सारभूत तत्व को, वेद के वास्तविक उद्देश्य को अपनी अनुभव गम्य वाणी में, मोक्ष की इच्छा रखने वाले सच्चे जिज्ञासुओं के हितार्थ गद्य और पद्य रूप में साहित्य रचना की। 14 रत्न गुप्त सागर नाम से विश्व विख्यात ग्रंथ आपके द्वारा रचित साहित्य का गद्यात्मक भाग है, जिसमें अवधूत श्री गुप्तानंद जी महाराज ने वेद रूपी महासागर से 14 रत्न निकाले हैं जो कि ज्ञानियों के चित्त के चंद्रमा को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार देव दानवों ने समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त किए थे, उसी प्रकार इन परम विरक्त महापुरुष ने मुमुक्षुजन कल्याणार्थ सरल सुबोध भाषा में वेद तत्वसार को बड़े ही सुंदर ढंग से युक्ति, प्रमाण, न्याय, दृष्टांत व दाष्टांत देकर जिज्ञासुओं को समझाया है। इनके द्वारा रचित पद्यात्मक भाग गुप्त ज्ञान गुटका के प्रत्येक पद में तत्वज्ञान ही तत्वज्ञान भरा है। प्रत्येक पद को एक विशेष संगीत संयोजन के साथ श्रवण किया जाए तो वह साक्षात ब्रह्मानंद की अनुभूति करा देता है। अवधूत बाब जी ने लावनी, गजल, कवित्त, होली, सवैया, छंद, शेर, रंगती, कव्वाली जैसे अंदाजों में स्वरूप बोध को बड़ी सरलता से समझाया है। आप श्री ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा तथा क्षेत्रीय बोली के भी कई शब्दों का प्रयोग अपने पद्यात्मक साहित्य भंडार में किया है। ऐसे दिव्य एवं गुप्त ज्ञान भंडार को गुप्त ज्ञान द्वारा जन जन तक पहुंचाना ही इस वाणी के गायन का परम लक्ष्य है। ये एक गुप्तानंद जी बाप जी का सामान्य परिचय, जो भक्त नहीं जानते हैं कि क्या है ये वाणी, ये उनके लिए थोड़ा सा आरंभ में भूमिका रखी। गुप्त ज्ञान गुटका में लगभग 500 के तकरीबन पद दिए हैं और सभी में स्वरूप बोध की ही बात कही गई है।